शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। बाज़ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनसे आप फौरन मुतासिर हो जाते हैं। अगर आप मुतासिर नहीं होते तो वो आपको मुतासिर होने पर मजबूर कर देती हैं। फिराक गोरखपुरी का शुमार ऐसी ही जादुई शख्सियात में होता है। उनकी मौजूदगी किसी भी महफिल में जान डाल देने के लिए काफ़ी थी। उनकी बेतकल्लुफी, लताइफ और कहकहों से महफिल का रंग जमता और बज़्म ज़ाफ़रान ज़ार में तब्दील हो जाती। उनकी ज़ात आदमियत के रंगारंग और भरपूर अनासिर में रची बसी थी। वो अपनी ज़िंदगी ही में अफसाना बन चुके थे। कहानियाँ उनकी ज़ात में और उनकी ज़ात कहानियों में ज़म हो गई थी। उनकी गुफ्तगू ऐसी दिलचस्प हुआ करती थी कि वो कहें और सुना करे कोई वाली फ़ज़ा तारी हो जाती थी। मशरक़ व मग़रिब के वसी तर मुताले के सबब उनकी ज़बान से कभी दांते, कभी मिल्टन, कभी शेक्सपियर और कभी कोयटे अदा हो रहा होता। उनकी ज़बान में कभी तुलसी दास बोल रहे होते तो कभी काली दास बोल रहे होते, कभी फिरदौसी की सूरत नज़र आती, कभी हाफिज रस घोल रहे होते, कभी मीर, कभी गालिब, गोया दुनिया का सारा अदब उनके लहजे में घुल जाता। फिराक गोरखपुरी 1896 को गोरखपुर के एक कायस्थ ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद गोरख प्रसाद इब्रत खुशफिक्र शायर थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम रघुपति सहाय रखा, लेकिन दुनिया ने रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना। फिराक ने अपनी शायरी के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में मजनू गोरखपुरी और मुंशी प्रेमचंद की सोहबत पाई। उनकी सोहबतों ने उनकी अदबी सलाहियतों को इनकरेज किया और इस तरह उनके फिक्र विजदान की तरबियत हुई। शहनशाह जॉर्ज पंजुम के वलीअहद प्रिंस ऑफ वेल्स 1920 में हिंदुस्तान का दौरा करने के लिए आए। गांधी जी की क़यादत में उनके उस विज़िट का मुल्क भर में बॉयकॉट किया गया। कांग्रेस के तमाम लीडर गिरफ्तार कर लिए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गिरफ्तार हुए तो यूपी की एक सूबाई कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग में गिरफ्तार होते वक्त उन्होंने फिराक गोरखपुरी को पूरे सूबे का डिक्टेटर नामजद कर दिया। उस मीटिंग की सदारत मौलाना हसरत मोहानी फरमा रहे थे। फिराक ने पंडित नेहरू का जब यह ऐलान सुना तो खड़े हो गए और अपनी जगह उस मनसब के लिए रफ़ी अहमद किदवई के नाम की तजवीज़ पेश की और उस मनसब से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। अभी ये कार्रवाई हो ही रही थी
कि पूरी सूबा कांग्रेस कमेटी, जिसकी मीटिंग में तकरीबन 100 लोग शरीक थे, गिरफ्तार कर लिए गए। फिराक आगरे की जेल में कैद कर दिए गए। कैदियों में शेर व सुखन के बहुत से शैदाई थे। यारों ने हफ्तेवार मुशायरे की दाग बेल डाल दी। पहले मुशायरे में जो मिसरा तरह था, उसमें फिराक की गजल का मक्ता मशहूर हुआ। अहले जिंदा की ये महफिल है, सबूत इसका फिराक। अहले जिंदा की ये महफिल है, सबूत इसका फिराक, के बिखर कर भी ये शिराजा परेशान न हुआ। साल भर से कुछ ज़्यादा का अरसा जेल में गुजार कर फिराक जब घर आए तो उनकी माली हालत कमज़ोर हो चुकी थी। उसी ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू गोरखपुर आए और उनके मेहमान हुए। सियासत आलम के क़याफ़ा शनास जवाहरलाल को सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया और उन्होंने फिराक के सामने ये तजवीज़ रखी कि तुम ऑल इंडिया कांग्रेस के अंडर सेक्रेटरी की हैसियत से इलाहाबाद आकर दफ्तर का कुल कारोबार संभाल लो। ये बात 1933 की है। फिराक ने गोरखपुर को अलविदा कहा। उस वक्त कांग्रेस के सदर थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। वो किसी मौके पर फिराक को देख चुके थे और कांग्रेस के एक जलसे की अंग्रेज़ी ज़बान में उनकी कलम बर्दाश्ता रिपोर्ट पढ़कर उनकी सलाहियतों का अंदाज़ा भी लगा चुके थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पंडित नेहरू की तजवीज़ पर हामी भर ली। फिराक 250 रुपये महीने की तनख्वाह पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुस्तकिल अंडर सेक्रेटरी बन गए। उन्होंने ये ओहदा कमोबेश 4 बरस तक संभाला। 1927 के आगाज़ में पंडित नेहरू 2 बरस के लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स की स्टडी करने यूरोप चले गए। अब फिराक के लिए उस ओहदे में कोई कशिश नहीं रही। उसके बाद उन्होंने पहले क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ, फिर सनातन धर्म कॉलेज कानपुर में टीचिंग के फ़राइज अंजाम दिए। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबा अंग्रेज़ी से वाबस्ता हुए और 1958 में यहीं से रिटायर हुए। 1961 में गुले नगमा पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड से सरफराज किया गया। 1965 में सोवियत रूस ने उन्हें नेहरू अवार्ड अता किया। 1968 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। 1969 को उनकी खिदमत में मुल्क का नहायत अहम एजाज ज्ञानपीठ पेश किया गया। उर्दू में पहली बार ये एजाज फिराक के हिस्से में आया। अखीर उम्र में इलाज चश्म के लिए वो दिल्ली आए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस में एडमिट हुए। मकामी अखबारात में ये खबर छपी। इंदिरा गांधी को जब उस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने इलाज के लिए 5,000 रुपये मंजूर किए। अस्पताल में फिराक को जोश मलियाबादी के इंतकाल की खबर मिली। जोश से उन्हें बड़ा दिली लगाव था। उनकी शायरी के बड़े मोतरिफ थे। उस सानहे की खबर मिलते ही रंजीदा हो गए। लेटे लेटे मीर का शेर पढ़ा, जिन जिन को था ये इश्क का आज़ार मर गए, अक्सर हमारे साथ के बीमार मर गए। उसके बाद फिराक की सेहत दिन ब दिन गिरती गई। अपने दोस्त जोश से ठीक 9 दिन बाद 3 मार्च 1982 को उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनकी ज़िंदगी का चिराग बुझ गया। फिराक अपनी शायरी को हिंदुस्तानी तहजीब की रूह का तर्जुमान बनाना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने खुद अपनी बाज़ तख्लीक़ात को नुमाइंदा करार दिया है। मैं चंद उनवानात उनकी उन नज़मों से पेश करता हूँ कि मादर हिंद से, रूप हुस्न की देवी से, दिवाली के दीप जले, जुगनू, धरती संगीत, कार्तिकी पूर्णिमा, हिंडोला और धरती की करवट के कुछ हिस्से हिंदुस्तानी तहजीब की दिलकशी, पाकीज़गी, उसकी आलमगीर अपील और उसकी लाजवाल लाफानी कदरों को उजागर करते हैं। उन्होंने अपनी शायरी के आखिरी इंतखाब गुलबांग में मेरी ज़िंदगी की धूप छाँव के उनवान से जो मज़मून लिखा है, उससे उनकी ज़िंदगी, अफकार और तख्लीकी मिजाज का बखूबी अंदाज़ा होता है। उनकी गज़लों में हिंदुस्तानी तहजीब
इश्किया वारदात और एहसास जमाल की नज़ाकतों का लहजा इख्तियार कर लेती है। अपने उस इंतखाब के बारे में वो खुद फरमाते हैं, उन्होंने लिखा है कि इस मजमूए की नज़मों, गज़लों और रुबाइयों में आफाकी अदब की बाज़गश्त सुनाई देगी। सादगी, नरमी, नरम आहंगी, मासूमियत, रंगीनी, शादाबी, दिक्कत नज़री, एहसास की गहराई, लहजे की घुलावट, कुव्वत शिफा, खैर व बरकत के अनासिर, मादी ज़िंदगी की रूहानियत, हिंदुस्तानी अदब, हिंदुस्तानी फ़नून लतीफ़ा और हिंदुस्तानी तहजीब की जिंदा जावेद खसूसियात मौजूद हैं। हिंदुस्तानी तहजीब को उस वक्त तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि यहाँ की लोक कथाओं, लोकगीत, त्यौहार, रसूम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जुज़ियात व अलायम, संगीत कला, फ़न बुदगरी, फ़न तामीर, चित्रकला, रक्कासी और घरेलू सनतों के लोच सुघड़पन और शांत रस को न समझ लिया जाए। हिंदुस्तानी तहजीब में फितरत, औरत और हुस्न के तस्वुरात सदियों के इम्तिजाज, मिजाज व किरदार का नतीजा है। फिराक की शायरी मकामी तर्ज एहसास की नुमाइंदा है। दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई, दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई कि जगमगा उठें जिस तरह मंदिरों में चिराग। जोश, जिगर और फिराक, ये एक तसलीस बनती है। जोश के साथ ही पाबंद नज़मों की एक रिवायत का खात्मा हो जाता है। जिगर की आवाज़ मुशायरों में धूम मचा रही थी। उन दोनों के दरमियान फिराक बहुत आहिस्तगी से अपने नर्म लहजे के साथ नई गज़ल की पेशरवी कर रहे थे। 1947 तक मुशायरों के शोर और नई नज़म के तजर्बों में फिराक की आवाज़ तन्हा और यकता नई गज़ल के इस्तेहकाम के लिए करवट ले रही थी। तकसीम के बाद उनके हमनवाओं की एक जमात उभर कर सामने आई। नासिर काजमी से लेकर निदा फाजली तक उस जमात में शरीक नज़र आते हैं। इकबाल के बाद सही मानों में अगर कोई दूसरा शायर नज़र आता है जो मशरक़ व मगरिब की रिवायत से आशना, इल्म शान, कल्ब व नज़र की वसअत और एक बड़े दिमाग के साथ उर्दू अदब में दाखिल हुआ तो वो फिराक हैं। यगाना जिन्होंने गालिब को भी नहीं बख्शा, उन्होंने कहा कि दुनिया से जाते हुए गज़ल को फिराक के हवाले किए जा रहा हूँ। फिराक न तो पूरे तौर पर पुरानी वजह के शायर हैं और न मुकम्मल तौर पर जदीद ढब के शायर हैं। वो नई और पुरानी रिवायत के दरमियान एक पुल की हैसियत रखते हैं। फिराक की गज़लों पर मीर, गालिब, मोमिन और मुसफ़ी के असरात मौजूद हैं। उनके सामने एक तरफ फ़ारसी की शेरियात थी, दूसरी तरफ संस्कृत की रिवायत मौजूद थी, एक तरफ मज़ाहिब आलम की रोशनी थी, दूसरी तरफ हिंदू माइथोलॉजी का इबहाम था। कदीम व जदीद रिवायतों में इंसानी नफ्सियात को उन्होंने परखा। ज़िंदगी की मायूसी, ज़ात की तन्हाई और इंसानी कायनात के अंधे मुस्तकबिल को उन्होंने हमदर्दाना जावियों से देखा, बल्कि यूं देखा कि ये मसाइल उनकी ज़ात का अटूट हिस्सा बन गए। इसके लिए खुद उनकी ज़िंदगी के मसाइल ने भी उसे अप्रोच की तश्कील में सपोर्ट किया। नई ज़िंदगी और नए इंसान के मसाइल उनके यहाँ जिस तरह आए हैं वो बाद में नई गज़ल के महबूब मौजूआत बन गए थे। जिनको इतना याद करो हो, चलते फिरते साए हैं, उनको मिटे तो मुद्दत गुजरी, नामो निशां क्या पूछो हो। ज़ुल्मत व नूर में कुछ भी न मोहब्बत को मिला, ज़ुल्मत व नूर में कुछ भी न मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंधलके का समा है कि जो था। मंजिलें गर्द की मानिंद उड़ी जाती हैं, वही अंदाजे जहाने गुजरा है कि जो था। थी एक काविशे बेनाम दिल में फितरत के, थी एक काविशे बेनाम दिल में फितरत के, सवा हुई तो वही आदमी की ज़ात हुई। इस दौर में ज़िंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। फिराक का
इश्क या इजहार तजरीद से तजसीम की तरफ गामजन है। फिराक के लिए ज़िंदगी अकेले झेलने का अमल है और उस अमल में अपने वजूद के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं होता। इसीलिए उनके यहाँ मुतजाद पहलुओं के साथ मुतसादिम पहलू शिद्दत फिक्र इजहार का आईना बन जाते हैं। तू एक था मेरे अशार में हजार हुआ, तू एक था मेरे अशार में हजार हुआ, इस एक चिराग से कितने चिराग जल उठे। हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, तुमने तो खैर बेवफाई की। मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। ऐ दिले बेकरार देख वक्त की कारसाजियाँ, ऐ दिले बेकरार देख वक्त की कारसाजियाँ, इश्क को सब्र आ गया सब्र किए बग़ैर भी। फिराक की शेरी व नसरी तसानीफ़ और तराजिम की फहरिस्त तवील है। फिराक की शायरी मामलात ज़िंदगी के पेचीदा हिस्सियाती इजहार का नमूना है। अच्छा हुआ कि उन्होंने सियासत में पनाह न ली और जल्द उस वादी से निकल आए, वरना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, आज़ादी के बाद उन्हें कोई वजारत मिल जाती या वो किसी सूबे के गवर्नर बना दिए जाते। दुनिया उन्हें उस तौर याद न रखती जिस तरह बहसियत अदीब उन्हें पलकों पर बिठाती है। उन्होंने जिस आवाज़ को मर मर के पाला था, वह आखिर को खुद एतमादी की उस मंजिल को पहुंची जहां से उन्होंने ये शेर कहा था, आने वाली नस्लें तुम पर रश करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर रश करेंगी हम असरों, जब ये ध्यान आएगा उनको तुमने फिराक को देखा है।